हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अगर राइडिंग गियर्स की बात करूं तो राइडिंग गियर्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जैकेट्स, हेलमेट्स, ग्लोव्स। तो आज हम बात करेंगे ग्लोव्स की, हैंड ग्लोव्स की बात करेंगे, जो एक राइडिंग गियर्स का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारी सेफ्टी के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। जब हम क्रूजिंग करते हैं, करीबन स्पीड होती है 60 से 80 तक की, और उस टाइम पे एक्सीडेंट होता है तो हमें रिएक्शन टाइम ज़्यादा मिलता है, और उसकी बदौलत हम गिरते हैं हाथों के बल। तो हाथों के बल जब गिरते हैं तो हाथों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर क्रूजिंग होती है करीबन 80 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा, तब भी चांसेस 50% होता है कि हम अपने हाथों के बल गिरे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपने हाथों को प्रोटेक्ट करना। मेरे पास है बाइकिंग ब्रदरहुड के रेसिंग ग्लोव्स, उसका हम क्विक रिव्यू करेंगे, आपको लाइव डेमो भी दिखाएंगे कैसे मैं यूज़ करता हूँ उसको, ट्राई करूँगा एक शॉर्ट राइड भी करूँ, और कैसे फोकसिंग पूरा होगा ये ग्लोव्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पिछला वाला वीडियो बोया BY MM1 का रिव्यू आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, बहुत अच्छा कार्डियोइड माइक है, आउटडोर शूटिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो ऊपर का आई बटन क्लिक करें और वो वीडियो ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें। ये वाला वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक कीजिए, कॉमेंट ज़रूर कीजिए। तो ये है मेरे बाइकिंग ब्रदरहुड के ग्लोव्स, आप देख सकते हो पैकिंग काफ़ी अच्छा है, ट्रांसपेरेंट पैक है। तो चलिए खोलते हैं। मैंने बाय द वे ये करीबन 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है उसमें। तो पैक को साइड पे रखते हैं और डायरेक्ट ग्लोव्स के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये है ग्लोव्स। अगर ग्लोव्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा लेदर यूज़ किया है, इंटरनेशनल क्वालिटी का लेदर है। अगर सेफ्टी के डायरेक्ट मैं बात करता हूँ तो ये है नक्कल गार्ड, नक्कल गार्ड कार्बन फाइबर का लुक दिया गया है, और इसमें एयर वेंट भी है जो आपको गर्मी में इतनी गर्मी का एहसास नहीं कराएगा। अगर रिस्ट की बात करूँ तो रिस्ट में भी 2 गार्ड दिए गए हैं, ये रहे। कार्बन फाइबर का लुक है जो काफ़ी स्पॉर्टी दिखता है। अगर मैं फिंगर प्रोटेक्शन की बात करूँ तो लिटल फिंगर है, उसमें भी कार्बन फाइबर लुक का प्रोटेक्शन दिया गया है। अगर दूसरी फिंगरों की बात करूँ तो वहाँ पे भी हर फिंगर में दो प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। अगर पीछे पाम की बात करूँ तो 2 प्रोटेक्शन हार्ड प्रोटेक्शन है। अगर आप ये देखो तो मैं एक टाइम पर गिरा था तो यहाँ पर इम्पैक्ट आता है तो आपका हाथ काफ़ी अच्छा सेफ रहता है। अगर ग्रिप की मैं बात करूँ तो पाम में एक अच्छा सा ग्रिप का पैच दिया हुआ है जो आपको ग्रिप रखने में काफ़ी यूज़फुल है। ये जो पैच देख रहे हैं आपको ग्रिप एनहांस करता है आपकी। अगर मैं इनर मटेरियल की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा मटेरियल है, ब्रीथेबल है, सॉफ्ट है, जो इतनी गर्मी आपको महसूस नहीं होने देगा। फिर भी 2 वेंट है आगे ऑलरेडी, सो गर्मी का तो कोई सवाल ही नहीं है। थोड़ी बहुत गर्मी ऑफकोर्स लगेगी, इंडियन वेदर है तो इंडियन वेदर में थोड़ी बहुत गर्मी तो लग ही सकती है। टी के लिए अगर मैं वेलक्रो की बात करूं तो डुअल वेलक्रो है यहाँ पे, ये है डुअल वेलक्रो जो आपको अच्छी खासी ग्रिप प्रोवाइड करेंगे और लूज़ नहीं होने देंगे। और यहाँ पे आगे की साइड पे भी एक वेलक्रो है जो टाइटन हो सकता है। सो ये था मेरा क्विक रिव्यू BBG के ग्लोव्स का, रेसिंग ग्लोव्स का। तो चलिए बाइकिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इससे आपकी सेफ्टी कैसे इम्प्रूव होगी। तो चलिए। सो हाय, दिस इज आयन चौकसी अगेन, और आपके लिए मैं लाया हूँ ऑन द गो BBG के रेसर ग्लोव्स के रिव्यू। ये आप देख सकते हो बहुत ही शानदार सा फीलिंग हो रहा है मेरे हाथों पे, मूवमेंट परफेक्टली है। अगर मूवमेंट की बात की जाए तो जब आपका नया ग्लोव्स होगा तो थोड़ा हार्ड मूवमेंट होगा ही ऑफकोर्स। अगर ये डुअल वेलक्रो की मैं बात करूँ तो इसकी वजह से जो
रिस्ट का पार्ट है वो काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है। यहाँ पे ये सेकंड वेलक्रो है वो भी काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है। ये जो पार्ट है थोड़ा रफ है ताकि आपका जो ग्रिप है, हैंडल ग्रिप है, वो काफ़ी अच्छे से बैठ सकता है। तो चलिए राइड करते हैं। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। तो ये था क्विक रिव्यू बाइकिंग ब्रदरहुड्स के रेसर ग्लोव्स का। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें। ये वाला वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए।